समस्या ये है कि ग्राम सभा में आवेदन देते हैं, ग्राम सभा में आवेदन देने के बाद में पावती नहीं देता है। आप कितनी बार आवेदन लगाया भाई जी? हम दो बार लगा चुके ग्राम सभा में। ग्राम सभा के अनुमोदन में क्या कहते हैं वो लोग? बोलते हैं पावती नहीं देते हैं। जमीन के संबंध में उसमें हमें अधिकार मिलना चाहिए। यदि अधिकार सरकार नहीं दी तो फिर कुर्बानी देना होगा। कुर्बानी देने से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हमारा आत्मा तो संतुष्ट हो जाएगा कुर्बानी के देने। 11 सितंबर को जन सुनवाई को लेकर तहसील प्रांगण में SDM तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा गया और यह ज्ञापन को बताते हुए, ध्यान दिलाते हुए कहा गया कि हमारे शहडोल जिला बिहारी ब्लॉक के अंतर्गत जो भूमि समस्या को लेकर हम लोग आपको हमेशा याद दिलाते हैं, आवेदन के साथ, रैली के साथ, आंदोलन के साथ, गीत माध्यम के साथ, तो हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए ताकि हम लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। कि मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया है कि मैं हजारों हजार केस को मैं हर बखर जुआ मशीन जिनका जब्त है तो उसमें मैं वापस करवाऊंगा। उन्होंने पंपलेट छपा के हजारों पंपलेट बटे हुए हैं। वन अधिकार कानून है, दावा लगाया जाता है और दावा लगाने के बाद में वो ब्लॉक स्तर, उपखंड स्तर में आने के बाद में वो दावा अपात्र हो जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अभी आज जो है तो हम लोग तहसीलदार STM को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन लिए हैं। उन्होंने वादे के साथ में बोले हैं कि हम लोग ये वन अधिकार के कानून को फॉरेस्ट और पटवारी होके, फॉरेस्ट विभाग और पटवारी होके सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद में उसको हम लोगों को जो वास्तविकता है और जो सच्चाई है तो उसको पट्टा मिलेगा। यह समस्या को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि गरीब समुदाय के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। वीडियो देखने वाले श्रोताओं से मैं अपील करता हूं कि जवाहरलाल गोस्वामी जी को फ़ोन कर दबाव डालें और सहयोग करें, जिनका मोबाइल नंबर 8354 35 800। मैं कैलाश सिंह मरावी, ग्राम ठोंगा, पोस्ट मझौली, थाना तहसील मझौली, जिला सिद्धि, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।